एमपी में पंचायत चुनाव का हंगामा देख सभी दंग रह गए। जहां प्रदेश में रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए कांग्रेस को दंग कर दिया और कांग्रेस को हरा दिया। भाजपा ने कांग्रेस समर्थित जिला सदस्य को अपने पाले में लेकर उसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित कर दिया, जिसको लेके कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग कर दी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल के जिला पंचायत से सामने आई, जहां दिग्विजय सिंह और मंत्री भूपेंद्र सिंह आमने सामने आ गए। तस्वीरें देखी। जिला पंचायत भोपाल में नौरंग गुर्जर की पत्नी राम कुंवर गुर्जर को, जो कांग्रेस समर्थित जिला सदस्य थी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने पाले में ले लिया और उन्हें ही जिला पंचायत अध्यक्ष का भाजपा की तरफ से चेहरा बना दिया। लिहाजा कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग हो गई और कांग्रेस उम्मीदवार रश्मि भार्गव एक वोट से चुनाव हार गई। कांग्रेस पूरे टाइम मौजूद रही। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला। जैसे ही भूपेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में कुछ जिला सदस्यों को लेकर आए जिला पंचायत कार्यालय निर्वाचन स्थल पहुंचे, वैसे ही कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। नतीजा यह रहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह की गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया। फिलहाल एक हाई प्रोफाइल चुनाव में भाजपा ने रणनीति बनाकर कांग्रेस को एक वोट से परास्त कर दिया। इस चुनाव की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह, रामेश्वर शर्मा और अन्य नेताओं ने रणनीति बनाई और रातों रात एक बड़ा खेल करते हुए कांग्रेस जिला सदस्य को पहले अपने पाले में लिया, फिर उसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष का चेहरा बनाया और चुनाव जीत गई। जोरदार हंगामे के बाद भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है, जहां मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्षों को बधाई दी है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।